होलसेलर्स रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना होगा, पीआई की निजकारी कब तक हो जाएगी? वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने हुकूमत के बड़े मुआशी फैसले बता दिए। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि आईएमएफ प्रोग्राम के होते हुए तरक्की हो सकती है। आईएमएफ प्रोग्राम के हजम के हवाले से फिलहाल कोई बात नहीं हुई। आईएमएफ के प्रोग्राम की मियाद कम से कम 3 साल होगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं। टैक्स के हवाले से डिजिटलाइजेशन के लिए हमने काफी काम कर दिया है। डिजिटलाइजेशन वाला प्रोग्राम लंबे अरसे पर मुहित है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि जो सेक्टर्स टैक्स नेट में नहीं उनको एकदम टैक्स नेट में नहीं ला सकते। डॉक्टर शमशाद ने मदर आदम को ब्रीफिंग दी, उनकी बताई चीजों पर गौर कर रहे हैं। महसूलात बढ़ाने के लिए काबीना पार्लियामेंट और सूबों से मशावरत की जाएगी। मुल्क की सलामती के लिए सबको मिल बैठने और काम करने की जरूरत है। हमारी महसूलात का टारगेट 9.3 ट्रिलियन है। डिस्कोस की निजकारी होने जा रही है। पीआईए की निजकारी जून तक हो जाएगी। मदर आदम की हिदायत पर मई जून में ईओआई साइन हो जाएगा। निजकारी के हवाले से कानून साजी की जाएगी। निजकारी के कानून में तब्दीलियों की जरूरत होगी तो तारामीम भी की जाएगी। डिस्कोस की निजकारी भी की जाएगी। जो 2 डिस्कोस खसारे में जा रही हैं, इनकी फौरी तौर पर निजकारी की जा रही है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि हमारी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो एफबीआर के इस्तेहात पर है। हमने टैक्स के हवाले से डॉक्यूमेंट्स पर फोकस रखना है। अभी तो हम बजट की तरफ जा रहे हैं, बाद में बैंकिंग सिस्टम पर भी गौर किया जाएगा। इंडस्ट्री 21% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। तमाम सेक्टर्स को टैक्स में लाना हमारी तरजीह है। लाइफ स्टॉक डेयरी फार्मिंग में डीजीपी का 50% है। हम सुबह के साथ मशावरत करके आगे चलेंगे। वज़ीर आज़म ने सुबह के साथ बैठ कर बात करके आगे बढ़ने का कहा है। हमें कर्जों से बचने के लिए महसूलात बढ़ाने और खर्चे कम करना होंगे। वज़ीर खजाना का कहना था कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने अपने ऑपरेशनल खर्चे कम करने हैं। 1.7 खरब के महसूलात के केसेस अदालतों में इल्तवा का शिकार हैं। महसूलात केसेस के हवाले से ट्रिब्यूनल्स 9 रोज में फैसला करेंगे। अगर केसेस को जल्द निपटाने के लिए चीफ जस्टिस से बात करना पड़ी तो वो भी करेंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा कि प्राइवेट पार्टनरशिप की जानिब जाना है। सारी चीजों को बजट में तय किया जाएगा। एनएफसी के हवाले से कोई प्रपोजल नहीं, इस पर सूबों से मशावरत करेंगे। एनएफसी के हवाले से सूबों से मशावरत की जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब का मजीद कहना था कि बतौर हुकूमत सबसे पहले हमें अपने कर्जों में कमी लाना होगी। एग्रीकल्चर और आईटी हमारे कंट्रोल में है। इन सेक्टर्स को हम सपोर्ट करेंगे। हम पुरअज़्म हैं कि आईटी और ज़राअत के शोबों को आगे लेकर जाना है।